नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। एफएमएम के मिल जोन के लिए नई 20 टन फॉर्कलिफ्ट उद्घाटित। सीपीपी एक विभाग में महा का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और आरएसपी द्वारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए डॉग कैचर वाहन प्रदान। अब समाचार विस्तार से। फील्ड मशीनरी मेंटेनेंस विभाग में 6 दिसंबर को आयोजित एक समारोह में महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री डी के महापात्र ने एफएमएम के मिल जोन के लिए गोदरेज कंपनी की 20 टन फॉर्कलिफ्ट का उद्घाटन किया। उप महाप्रबंधक प्रभारी सीआरएम श्री ए के मंडल, उप महाप्रबंधक प्रभारी एफएमएम श्री जे सुतार, उप महाप्रबंधक प्रभारी सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं श्री ए के नायक एवं एफएमएम के अधिकारी एवं कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। नई 20 टन गोदरेज कंपनी की फॉर्कलिफ्ट को कोल्ड रोलिंग मिल, हॉट स्ट्रिप मिल और सिलिकॉन स्टील मिल के मिल्स क्षेत्रों में कॉयल स्थानांतरण के लिए खरीदा गया है। इससे पहले इन क्षेत्रों में 20 टन के दो और 15 टन के दो फॉर्कलिफ्ट का प्रयोग किया जा रहा था, जो उच्चतर उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हाल ही में कॉयल के वजन में हुई वृद्धि के कारण 15 टन फॉर्कलिफ्ट को सावधानी पूर्वक उपयोग करना पड़ता था। नई 20 टन फॉर्कलिफ्ट की खरीद से मिलों में कॉयल के स्थानांतरण के लिए भारी फॉर्कलिफ्ट की उपलब्धता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कैप्टिव पावर प्लांट एक विभाग में 28 नवंबर को एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक पावर श्री एस सी पटनायक ने सीपीपी एक विभाग के वरिष्ठ तकनीशियन श्री दिलीप कुमार कुजूर को अक्टूबर 2017 के लिए महा का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया। उप महाप्रबंधक प्रभारी सीपीपी एक श्री एस के ठाकुर, उप महाप्रबंधक सीपीपी एक श्री एम डी भोई, उप महाप्रबंधक सीपीपी एक श्री आर वर्मा, उप महाप्रबंधक सीपीपी एक श्री पी के महापात्र तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री पटनायक ने श्री कुजूर को उनके अनुकरणीय योगदान हेतु बधाई दी एवं सभी को इसका अनुकरण करने तथा विभाग की उन्नति हेतु सहयोग करने हेतु प्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि श्री कुजूर ने विद्युत प्रणाली के प्रमुख रूपांतरण में महत्वपूर्ण योगदान हेतु मान्यता प्राप्त की, जिससे सीपीपी एक विभाग के परिचालन दक्षता में सुधार हुआ। न्यूनतम संसाधन एवं श्रेष्ठ संभावित समय में गुणवत्ता युक्त आउटपुट में कंपनी के लिए वास्तविक बचत संभव हुई है। कनिष्ठ प्रबंधक कार्मिक श्री एस के बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसके बाद श्री एस के बेहरा श्री कुजूर के घर गए और उनके परिवार के सदस्यों को उनके सहयोग हेतु सम्मान स्वरूप पुष्पगुच्छ तथा मिठाई प्रदान किए। रौरकेला स्टील प्लांट के जन स्वास्थ्य विभाग एवं सीएसआर विभाग ने रौरकेला नगर निगम के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास से कुत्ते की आबादी के नियंत्रण हेतु कई उपाय किए हैं। आरएसपी ने सरकार के प्रशासन को पशु पकड़ने वाला वाहन उपलब्ध कराकर एक अतिरिक्त सुविधा को जोड़ा है। रौरकेला नगर निगम कार्यालय में आयोजित एक समारोह में महाप्रबंधक नगर प्रशासन श्री एन के सामंतराय ने 11 दिसंबर को रौरकेला एडीएम सुश्री मनीषा बनर्जी को एक कुत्ता पकड़ने वाले वाहन की चाबी सौंपी। उप महाप्रबंधक ट्रांसपोर्ट श्री एन आर द्विवेदी, रौरकेला नगर निगम के उपायुक्त सुश्री सुषमा बिलुंग, आरएसपी एवं रौरकेला नगर निगम के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि यह वाहन ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा खरीदा गया था और इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके तैयार किया गया था। इससे आवारा कुत्तों को पकड़ने और लेने लाने में सुविधा होगी। कुत्तों को पकड़ने के बाद आवश्यक बांधीकरण सर्जरी और इलाज के लिए पानपोश के सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल ले जाया जाएगा। ये सभी सुविधाएं आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने और रैबिज रोकथाम में सहायक होंगी। गौरतलब है कि आरएसपी ने ऑपरेशन किए गए कुत्तों के लिए 20 कैनल्स, बीमार या पागल कुत्तों के लिए आइसोलेशन वार्ड के रूप में 10 कैनल्स तथा आवश्यक बुनियादी ढांचों, उपकरणों, औजारों सहित एक ऑपरेशन थिएटर के विकास हेतु 28 लाख रुपए खर्च किए हैं। विशेष बात यह है कि इस्पात नगरी में करीब 4000 आवारा कुत्ते हैं। जनवरी 2015 में परियोजना के प्रारंभ से अब तक 750 कुत्तों का बाध्यकरण किया गया है। यह पहल भारत सरकार के पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम एवं कुत्ते नियम 2001 के तहत की जा रही है। हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।